Now let us start our topic, torque on electric dipole plays in an electric field, uniform electric field you can say, and you have derived the formula for calculating the torque, tau is equal to PE sine theta. And in vector form you can write this formula, tau is equal to vector tau is equal to vector P pro vector. And in scalar form you can write this formula like this, PE sine theta. And one thing is more here, you can't write this formula in this way. Okay, we already discussed all the things in our previous lecture. But now it's the time for discussing its special case. Special case. In special cases, we will talk about its equilibrium or stability. Our point will be its stability. Stability. Stable or unstable. Very, very important thing is क्या होता है stable और unstable equilibrium? ये आप इसके special cases में ही पढ़ें. Equilibrium में तो है, means it can't change its position, it can't rotate like this. ठीक है, वो जहां पर है वो वहां पर ही रहेगा. बट स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? अब ये कंसेप्ट समझेंगे आप इस डायग्राम से. डायग्राम से समझेंगे हम इस चीज. दीज लाइन शो इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन शो, दीज पैरेलल लाइन शो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस साइड इज negative. And this side is positive. You know very well. Okay. Now take an electric dipole. कोई भी electric dipole बनाइए. सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया. दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस साइन इज पॉजिटिव, दिस इज माइनस नेगेटिव. क्या होगा जब हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे डाइपोल? तो ये डाइपोल प्लस है, ये प्लस है, ये रिपेल करेगा, और ये माइनस साइन, माइनस साइड हुई तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये रोटेट होगा. क्या होगा? रोटेशन ले लेगा. रोटेशन कैसे लेगा? इस तरह से रोटेट होगा, फोर्स लगेगी और इस तरह से ये रोटेट होगा अबाउट अ सेंटर, इस डाइपोल के सेंटर से. यू थिंक दिस सेंटर नॉट शिफ्टिंग इज देयर, नॉट ट्रांसलेटिव मोशन इज देयर. अगर ये पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा, ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड बोथ द फोर्सेस एट द एंड ऑफ दिस डाइपोल इज सेम. ओके, तो ये अपनी पोजिशन क्या, ये ऐसे ना रहकर क्या हो जाएगा इसके साथ? नाउ इट टेक्स इट्स पोजिशन इन दिस वे. ओके, सेंटर वहां पर ही रहने वाला है इसका, तो ये इस तरह से घूम जाएगा और घूम कर इसके बाद अब कोई रीजन नहीं है कि ये कहीं और जाए. नेगेटिव वाले ने अपने पास बुलाना था, जितना वो इसको अपने पास बुला सकता था बुला लिया है. इसके अलावा तो इधर जाना पड़ेगा फिर उसको, इधर जाकर देखो कोई स्कोप नहीं है इसको घूमने का, और ना ही इधर से. ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी ले लेगा यहाँ पर, अब ये कहीं भी रोटेट नहीं होगा. देखो ट्रांसलेटिव मोशन से पहले ही बैन हो गया था, इधर से उधर कोई शिफ्ट तो देखो हो ही नहीं सकता इसका, ये ओपन. रही बात इसके एंड की, एंड भी रोटेट होकर कहाँ आ गया, स्टेबिलिटी में आ गया है, मतलब अब इसने कहीं भी नहीं जाना. ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम.
मतलब ये ऐसे ही रहना चाहता है, इतना ज्यादा कंफर्ट जोन इसको पूरे के पूरे फील्ड में किसी भी पोजीशन में नहीं मिलेगा जितना इसमें मिलेगा। ओके, तो नाउ दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस जोन, इन दिस पोजीशन, वेरी वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल वर्ड लगा दिया है, वैसे तो हम इसका यूज अपनी लाइफ में कर लेते हैं, लेकिन इसमें लगा दिया, वेरी वेरी कंफर्टेबल जॉब फॉर इट, पोजीशन कह सकते हो। लेकिन ये पोजीशन है क्या मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, हाउ कैन यू डिफाइन दिस थिंग? चलो देखते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी वेक्टर इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये भी ऊपर की तरफ है ऐसे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इन दोनों में, इन दोनों के अंदर एंगल कितना होगा, देखो पी भी इस डायरेक्शन में है और ई भी इस डायरेक्शन में है, देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, कितना एंगल होगा 0, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा, पैरेलल होंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री के एंगल पर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ये वेरी वेरी कंफर्ट जोन पोजीशन में आ जाएंगे, और इस पोजीशन को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी चीज को, इसी चीज को इसी डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, बट देयर विल बी अ सम चेंज। पूरा डायग्राम देखो आप दोबारा बनाओ, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी चीजें ऐसे ही बनानी है। Now, look at this. इसकी तरफ देखिए आप, मैंने दोबारा से इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, क्या सिचुएशन होगी, सिचुएशन ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नाउ इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नाउ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज अपवर्ड, नाउ दे आर पैरेलल, यस बट इन केस एंटी, सो एंटी पैरेलल केस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इसके अंदर, इस सिचुएशन में आके बट थिंग यू आर फीलिंग, क्या चीज फील कर रहे हैं आप, दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव, दिस एंड इज अगेन नेगेटिव, ये फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कहीं भी ये मूव नहीं करेगा, ना रोटेशन देगा ना मूव करेगा, ना रोटेशन करेगा ना मूव करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये परेशान है पॉजिटिव से, और ये वाला एंड परेशान है इस नेगेटिव से। अगर सोच कर देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे रोटेट कर दूं, थोड़ा सा भी पुश कर दूं, थोड़ा सा भी छेड़ दूं इसको, तो क्या होगा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी हवा दे दी, थोड़ा सा भी बता, थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा भी हिला दिया इस एंड को, उठा के ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो क्या होगा, मान लो ऐसे कर दिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये वाली पोजीशन ले लेगा, मतलब कंफर्ट जोन वाली पोजीशन ले लेगा,
क्योंकि उसके लिए वो वाली ज्यादा पोजीशन मैटर करती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा था कि वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा, थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा हिलाओ, इसे रोटेट हो जा। अभी ये स्टेबल है, मतलब अभी इसमें, अभी ये इक्विलिब्रियम में, अभी नहीं घूमेगा, लेकिन नॉट इन कम्फर्ट जोन, खुश नहीं है वो ऐसे, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठा जैसे पहले बैठा था इसके। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी घुमा दिया, इसने पोजीशन बदल देनी अपनी। फर्स्ट वाले केस में वो नहीं बदलेगा, वो तो वही वाली पोजीशन लेने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये फर्क रहेगा। थीटा की वैल्यू रहेगी 180 डिग्री, और यू नो वेरी वेल अगर दोनों केसेस में टार टॉर्क को निकालना जाए तो क्या वैल्यू होगी, 90 डिग्री, टॉर्क बिकम जीरो। इन दिस केस टॉर्क क्या होगा, पी साइन थीटा, पी साइन 180 डिग्री, एंड इट आल्सो बिकम बोथ द केसेस। In both conditions, torque is zero, but there is a little difference in between these. In both the cases, dipole is in equilibrium, but in one case is stable and another is unstable. Okay. Now the next case, when the torque is maximum. This is the case of minimum zero value. Now the next case is, what happens when an electric dipole plays in an electric field perpendicularly? अगर आप 90 डिग्री पे किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, then what happen when theta is 90 degree? Means dipole moment perpendicular to electric field. Means electric dipole is perpendicular to electric field. Kya hoga? You know the formula for calculating torque? Tau is equal to P sine theta. Now, put the value of theta in this relation, sine 90 degree, and then you can get the value of torque Pe, because sine 90 degree is equal to 1. Okay? So, in this way, you can take the value of torque when an electric dipole plays in a uniform electric field perpendicular. जब कोई डाइपोल 90 डिग्री से रखा जाए तो वो रोटेट करेगा किस तरफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए, बहुत ही नाजुक। तो वहां से जो उसका रोटेशन होगा, एक कपल क्रिएट होगा, उस रोटेशन को, उस टॉर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 90 से 80 पे भी हो सकता है, 70 पे भी होगा, 60 डिग्री पे भी होगा। अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री से रखा जाए सबसे ज्यादा होगा, 80, 70, 60, 50 ऐसे करोगे तो कम होता चला जाएगा, 0 डिग्री पे आ गई तो उसे रोटेट ही नहीं होना है, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपने डिस्कस कर लिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, और अगर आपने 180 पे ले गए तो कब भी नहीं होगा, लेकिन 179 पे हुआ तो उसमें फटाफट स्टेबल तमार के रोटेट होकर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इधर या उधर उसमें घूम जाने लगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो इसको ऑफ करते हैं अब, इस आर्टिकल को, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं,
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो। क्या है आर्टिकल का नाम, थोड़ा समझना पड़ेगा, काफी इसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं जो कि कुछ बच्चों को प्लस वन में आ चुकी है, लेकिन अगर फिर भी ना आई हो तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्लस टू पढ़ाते वक्त भले ही प्लस वन का कोई कंसेप्ट आए तो उसको बताया जाएगा साथ के साथ। तो प्रीवियस ईयर आपका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, स्टडी वाइज यू कैन से स्टडी वाइज अच्छा नहीं गया, बाकी चीज़ें तो आपने मस्त सीखी है। सर्कुलर रिंग से निकाल लेंगे आप, सर्कुलर रिंग, यू नो सर्कुलर रिंग को चार्ज करके फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करवाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है किसी चार्ज बॉडी से, नॉर्मली निकलती है, यू नो वेरी वेल। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन सारा खेल इन्हें डायग्राम्स होता है फिजिक्स में, क्योंकि जब तक आप इमेज नहीं करोगे माइंड में चीज नहीं आएगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो करते हैं, एक सर्कुलर रिंग बनाइए आप, सर्कुलर रिंग सेंटर ले लीजिए, इसका जो आपकी बुक में है वही लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स भी आपने उसी से करते। सेंटर ओ लेंगे इसका, रेडियस ए लेंगे, ओके, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई ए, और इसको चार्ज कर देंगे, नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो आप, पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन हम पॉजिटिव करते हैं जानबूझ के और पॉइंट चार्ज लेते हैं वो भी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ से करते हैं। देखो आपको काउंटिंग आती है 1 to 100, 100 to 1 भी सिखाएंगे, क्योंकि 1 to 100 की सबसे ज़्यादा नीड होती है, इसीलिए हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 to 1 नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, तो जब एक चीज़ से काम चले तो दूसरी को ज़बरदस्ती लगाना ठीक नहीं। इसके बाद इसकी एक्सिस क्या होगी, ये इसकी एक्सिस होगी, ये सुनो, इधर भी इधर भी। हमें क्या करना है इस आर्टिकल में, इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बनाइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, इस पॉइंट को नाम दे दो, यू नो वेरी वेल इस पी पर हमने क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये अपने माइंड में रखना है, यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखता हूँ। तो ये एक्सिस में खत्म कर लेता हूँ, उधर बात कर लेते हैं, उधर आ गया तो इधर भी निकाल लेंगे। चलो सेंटर से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं, इसको ले लो आर, ठीक है, आर अब देखिए जो ये रिंग है अंदर से तो खाली है, सिर्फ किनारों से चार्ज, दिस रिंग इज चार्ज फ्रॉम द बाउंड्री ओनली नॉट इन बिटवीन, मिडल पार्ट इज होलो, ओके, एम्प्टी स्पेस इज होलो। नाउ क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से ये जो सर्कल है ये चार्ज सर्कल है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, क्या इस पी पॉइंट पर असर दिखाएंगी, कोई फोर्स लगाएंगी, वो इमेजिनरी लाइन्स से पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा यस, कैसे देखते, पूरे इसको छोड़ो,
थोड़ा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, फिजिक्स लगाते हैं। सरकमफेरेंस क्या होगी इसकी? 2πa। चार्ज कितना दे दिया इसको? क्यू। नो डाउट टोटल चार्ज क्यों दे दिया, प्लस वाला जो दिखाई दे रहा पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एल की वैल्यू क्या ले ली? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πa। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज आप ले लो और थोड़ी सी लेंथ, थोड़ा सा चार्ज मतलब डी क्यू और थोड़ा सा सरकमफेरेंस मतलब डी एम। आई होप नो डाउट इज हेयर कि पूरी रिंग में से देर इज अ स्मॉल पार्ट वी हैव टू चूज हेयर। और अब इसी को लेकर इसके ऊपर बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इस डायरेक्शन में फेंकेगा इसको, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। लेकिन क्योंकि सिर्फ यही पार्ट लगा रहा है, ये तो डी क्यू है थोड़ा सा पार्ट, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकते आप, इसको क्या लेंगे? डी। क्या लेंगे? डी। तो ज्वाइन करो पहले इसको इस लाइन से, और ये क्या होगा, इसको एक्स ले लीजिए, फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंदर का रूट, हाइपोटेन्यूज बन गया ना ये 90 डिग्री का एंगल। तो सिर्फ इस पार्ट से बात कर रहे हैं हम। अब बात आ जाती है इस डी ई को लेकर, मेरे को इस डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाय द फुल सर्कल, चार्ज फुल चार्ज सर्कल। आर्टिकल का नाम भी यही है, लिख दो आर्टिकल का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर कॉइल और रिंग इतना ही लिख सकते हो, ऑन इट्स एक्सिस भी लिख सकते हो, और खाली यहां तक भी लिख सकते हो, मर्जी आप। ठीक है चलो पूरे ही लिख लो। चलो आ जाओ दोबारा आर्टिकल पे। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये कैसे एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर, और ये डी। और ये तभी तो ये आई है वैल्यू, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इसके बाद क्या करेंगे? इस डीई का फैसला करना अभी हमने, ये तो सिर्फ इस पार्ट की वजह से आया, थोड़ा सा डीई थोड़े से डी को दिया, मेरे को तो पूरे चार्ज के लिए, पूरे लेंथ यानी कि सर्कमफेरेंस के लिए, पूरी रिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहले फाइनली आप देखिए जो ये डीई है, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, थीटा जिसके साथ बनता है तो डीई का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्या होगा वो? डीई कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर, अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है ये रिजल्टेंट का काम करेगा और नीचे हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये सो नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसकी वजह से ये आया, लेकिन एक्स एक्सिस पर डी कोस थीटा आ गया और वाई एक्सिस पर डी साइन थीटा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो दोनों डायरेक्शनों में होगा, एक्स रे भी और वाई में भी। लेकिन एक चीज सच है यहाँ पर कि वाई पर नहीं होगा, तो नहीं होगा इसको समझिए। अगर यही पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ तो यही चीज, तो यही चीज यहाँ पर बनेगी, यस और नो? बनेगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर बनेगी यही चीज, करके देख लीजिए डीई। ठीक है, अगर यहाँ पर डीई बनेगी, ये वाला एंगल थीटा लेना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये यहाँ पर डी ई कोस थीटा आ जाएगा और इसका डी ई साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। कोस जैसे ये लिया था वैसे ही आपने यहाँ पर ले लिया, तो ये दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे,
हो जाएंगे कैंसल। बट ये डी कोस थीटा के साथ एक और ऐड हो रहा है इस वाले पार्ट पे, तो ये तो 2DE cos theta हो जाएगा, लेकिन ये कैंसल नहीं होगा बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है। इस DE का जो कंपोनेंट आया वो भी और इस DE का जो कंपोनेंट आया वो भी, बोथ आर इन सेम पॉजिटिव x इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अगर आपको सर जब y एक्सिस पर आया इससे आए कैंसिल हुए तो x वाला भी तो कैंसिल होना चाहिए था। हाँ, इसका अपोजिट पता है कहाँ पर है, इधर इसका भी अपोजिट है बट इधर, लेकिन हमें तो पॉइंट भी इधर दे रखा है ना। y एक्सिस के दोनों कंपोनेंट इधर मिल गए, कैंसिल भी हो गए, इक्वल थे, लेकिन x का दूसरा जो इसका अपोजिट है जो इसको कैंसिल करता है वो इसका ही था, इसलिए ये बच गया। इस केस को लिया आपने सेकंड को, ऐड हो गया डी कोस थीटा, डी कोस थीटा 2 बन गए। सपोज अगर मैं और भी पॉइंट ले लूं ऐसे, आप सर्कल को तो ऐसे देखोगे ना, ऐसे तो नहीं देखोगे, सबके साथ एंगल थीटा बनेगा, दोबारा से सारों के साथ यही केस होंगे, फिर वाई एक्सिस के कंपोनेंट कट गए, डीई 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 हर एक पार्ट के लिए क्या होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, पूरी रिंग बनेगी। तो यहाँ पर बात आ जाती है जो मेरा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपकी नेट कैसे निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा, बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। यही है एक वो चीज कि आपने छोटे से के लिए निकाला डीई कोस थीटा, तो पूरे के लिए निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो एक को ऐड कर लिया, दो को कर लिया, तीन को कर लिया, सारों को ही करना है तो क्या करेंगे, पूरी सर्कल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन निकाल, क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन। डीई की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इस वाले केस पे आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है आपको, पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1/4πε0 q/r, r क्या था, सोर्स चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक। यहाँ पर क्या है r, x, तो इस केस में x ले लिया, q है पूरा नो ओनली dq, तो dq ले, तो e की वैल्यू तो ये है, लेकिन ये e नहीं dq है ना, तो d e की वैल्यू, कंपेयर करो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करो इस फॉर्मूले, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आप, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन एक्स, पुट कर दीजिए आप, एक्स क्या, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, ये थीटा है, देखो हमने ऊपर वाला केस लिया था, बाकियों को अब भूल जाओ, ये थीटा, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, यू हैव टू यूज दिस पी डी सी एच एच पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कोस थीटा, व्हाट इज बेस आर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस एट, सो यू हैव टू पुट हियर आर अपॉन एक्स, नाउ 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, डी क्यू एक्स क्यू एंड दिस इज आर, and this one is okay, आ रही होगा ना, ये हमने गलत तो नहीं लिया ना, नो 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 ठीक चल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
theta. Good. Now, put the value of d cube here. D cube की value क्या put करोगे? देखो uniformly distributed charge है, मैंने आपको linear surface तक बताया था. तो यहाँ पर देखा जाए d cube by dl की जो ratio है, वो actual q by l पे होगी. Density, linear charge density same रहेगी पूरे circle की लो या छोटे से part की लो. Linear charge density क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो d cube की वैल्यू बता लिया आप यहाँ पे. d cube किसके इक्वल होगा? q dl अपॉन l. q dl अपॉन l यही होगी वैल्यू. तो आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे. x क्यूब की जगह पर क्या रखेंगे? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्यूब और साथ में अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा? 3 बाई 2. साथ में क्या होगा? हाँ, e मैक्स निकाल रही है. क्या निकाल रही है? e मैक्स. इसके बाद क्या करेंगे आप? जो ये r है, जो ये dl है, इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे. l की वैल्यू पता है आपको? l क्या है? 2 पाई. पुट कर सकते हो. इंटीग्रेशन सिर्फ उसका होगा जो d के साथ लगा हुआ dl का. तो सभी टर्म को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सभी टर्म को बाहर ले आओ एक्सेप्ट dl. अंदर कौन बचेगा? dl, only dl. dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई a. बाकी एज इट इज qr अपॉन 2 पाई a a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3 बाई 2. इंटीग्रेशन करके आपके क्या चाहिए? 2 पाई a. अब 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल. ये अलग चीज. तो e नेट आपके सामने आ चुका है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन